दोस्तों हर महीने की तरह इस महीने भी मैं आपके लिए इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाले कार्स की लिस्ट लेकर आया हूँ। इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली 7 सीटर MPV कार की बात करेंगे, जो कि इंडिया में पिछले महीने यानी नवंबर में सबसे ज़्यादा बिकी हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि इंडिया में अभी के टाइम में कौन कौन सी 7 सीटर कार सबसे ज़्यादा खरीदी जा रही हैं। तो इस लिस्ट में 9th पोजीशन पर है डैटसन गो प्लस। नवंबर 2020 में डैटसन गो प्लस पूरे भारत में सबसे कम बिकने वाली 7 सीटर कार रही। मुझे जानकर हैरानी हो रही है कि यही कार सबसे कम बिक पा रही है, क्योंकि डैटसन गो प्लस अपने सेगमेंट में अपने आप में एक काफ़ी अच्छी कार है और वो आपको काफ़ी कम कीमत में इंडिया में मिल जाती है। नवंबर 2020 में इस कार की सिर्फ 17 यूनिट्स ही बिक पाई हैं, मतलब 17 ही लोगों ने डैटसन गो प्लस को पिछले महीने खरीदा है। मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ। डैटसन गो प्लस इंडिया में 4 से 6 लाख रुपए के बजट में मिल जाती है और कार में 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, मतलब अपने आप में ही ये कार एक वैल्यू फॉर मनी कार है। लेकिन डैटसन का थोड़ा छोटा सर्विस नेटवर्क होने की वजह से ये कार उतना ज़्यादा नहीं बिक पाती है। लेकिन ये कार सेगमेंट में आर्टिगा और रेनॉल्ट ट्राइवर जैसी कार्स को भी कॉम्पिटिशन देती है। चलिए बात करते हैं अगले कार की। तो लिस्ट में 8th पोजीशन पर है टोयोटा वेलफायर। टोयोटा वेलफायर एक लग्जरी MPV कार है और कार की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है। करीब करीब 70 लाख रुपए की कीमत में ये कार इंडिया में मिलती है। पिछले महीने टोयोटा वेलफायर की सेल्स में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है। नवंबर 2020 में इस कार की करीब 23 यूनिट, मतलब 23 यूनिट सेल हुई हैं। दोस्तों टोयोटा वेलफायर के लिए इंडिया में 23 यूनिट सेल होना भी एक काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि गाड़ी की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है। लिस्ट में अगले नंबर पर है महिंद्रा की मराजो। नवंबर 2020 में महिंद्रा मराजो की सिर्फ 226 यूनिट ही सेल हुई हैं। आपको बता दें कि महिंद्रा मराजो इंडिया की सबसे सेफ मानी जाने वाली 7 सीटर MPV कार है और ये कार काफ़ी कम कीमत में भी मिल जाती है और अफोर्डेबल भी है, लेकिन फिर भी गाड़ी की सेल उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है। इसके पीछे वजह ये भी हो सकती है कि ये कार सिर्फ डीजल इंजन के ऑप्शन में ही मिलती है, पेट्रोल का ऑप्शन इसमें नहीं मिलता है। बाकी अदर रीज़न भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कार 10 लाख रुपये के ऊपर के बजट में मिलती है। लेकिन इस कार की सेफ्टी रेटिंग को ध्यान में रखते हुए इस कार की सेल थोड़ी अच्छी होनी चाहिए थी। लिस्ट में 6th पोजीशन पर है किया कार्निवल। नवंबर 2020 में किया कार्निवल की करीब करीब 400 यूनिट्स बिकी हैं। किया कार्निवल किया मोटर्स की इंडिया में तीसरी कार है और गाड़ी की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत 25 लाख रुपये के आसपास से शुरू होकर करीब करीब 35 लाख रुपये के आसपास तक जाती है। एक नई कंपनी होने के बावजूद भी एक प्रीमियम कार के लिए किया मोटर्स इतनी अच्छी सेल निकाल रही है, तो किया कार्निवल की दोस्तों इतना सेल फिगर भी काफ़ी अच्छा है। लिस्ट में 5th पोजीशन पर है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। नवंबर 2020 में इनोवा क्रिस्टा की करीब करीब 2192, मतलब 2192 यूनिट सेल हुई हैं। इनोवा क्रिस्टा एक प्रीमियम MPV कार के सेगमेंट में आती है और भारत की सबसे ज़्यादा बिकने वाली प्रीमियम MPV कार भी इनोवा क्रिस्टा ही है। लेकिन पिछले कुछ महीनों के मुकाबले टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की सेल्स में थोड़ी थोड़ी कमी आने लगी है, बाकी फिर भी ये कार काफ़ी अच्छी सेल फिगर निकाल ही रही है। कार की इंडिया में शुरुआती एक्स शोरूम कीमत करीब करीब 15 लाख रुपये से शुरू होकर 25 से 30 लाख रुपये तक जाती है। लिस्ट में अगली कार मारुति की प्रीमियम MPV XL6 है। मारुति XL6 की सेल में पिछले महीने नवंबर में थोड़ी इंक्रीमेंट हुई है और नवंबर 2020 में पूरे भारत में XL6 की करीब करीब 3388 यूनिट्स की सेल हुई। इस कार की शुरुआती एक्स शोरूम कीमत इंडिया में करीब करीब 10 से 12 लाख रुपए के आसपास तक जाती है और ये कार एक 6 सीटर प्रीमियम MPV कार है। लिस्ट में अगले नंबर पर रेनॉल्ट ट्राइवर है। नवंबर 2020 में रेनॉल्ट ट्राइवर की करीब करीब 4809 यूनिट्स की सेल हुई है, मतलब 4809 यूनिट की सेल इस कार ने निकाली है। ट्राइवर इंडिया की सबसे कम कीमत में मिलने वाली फैमिली पर्पस और मल्टीपर्पस दोनों के लिए इस्तेमाल होने वाली एक 7 सीटर कार है। कार की इंडिया में शुरुआती एक्स शोरूम कीमत करीब करीब 5 लाख रुपए से शुरू होकर 8 लाख रुपए के आसपास तक जाती है और ये गाड़ी हर महीने 4 से 5 हज़ार यूनिट की सेल आराम से निकाल लेती है, क्योंकि इसमें कम कीमत में आपको वैल्यू फॉर मनी पैकेज मिल जाता है और ये कार आम आदमी के लिए एक सूटेबल कार है, इसी वजह से लोग इस कार को भी खरीद रहे हैं। लिस्ट में सबसे ज़्यादा बिकने वाली MPV कार की बात करें नवंबर महीने में, तो उस कार का नाम है मारुति सुजुकी आर्टिगा। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में फैमिली पर्पस के लिए अगर कोई 7 सीटर कार लेता है तो सबसे ज़्यादा मारुति सुजुकी आर्टिगा को ही प्रेफर किया जाता है। आर्टिगा मारुति की इंडिया में कम कीमत में भी मिल जाती है और इसमें आपको वैल्यू फॉर मनी पैकेज भी मिलता है।
इसी वजह से नवंबर 2020 में मारुति सुजुकी आर्टिका की करीब करीब 9,557 यूनिट की सेल हुई है। पिछले कुछ महीनों के मुकाबले इस महीने नवंबर में आर्टिका ने काफ़ी अच्छी सेल की रिकॉर्ड हासिल की है और इस सेल फिगर के साथ आर्टिका भारत की 10वीं सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार भी रही पिछले महीने में। आर्टिका के ज़्यादा बिकने के दोस्तों कुछ रीजंस हैं, जैसे कि कार की रिसेल वैल्यू अच्छी है, मारुति का वाइड सर्विस नेटवर्क की वजह से इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इसमें फ़ीचर भी आपको वैल्यू फॉर मनी ही मिल जाते हैं। वैसे आपको आर्टिका कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा। इंडिया में मारुति सुजुकी आर्टिका की शुरुआती एक्सशोरूम कीमत करीब करीब 7.5 लाख रुपये से शुरू होकर 10 लाख रुपये के आसपास तक जाती है और इस प्राइस पॉइंट में आर्टिका एक काफ़ी अच्छी कार है। तो फ्रेंड्स, इन सभी 7-सीटर MPV कार्स में आपको कौन सी कार पसंद है कमेंट करके बताइएगा और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।